एक्सपेरिमेंट दोस्तों, ABCD वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आज अपन कैसे हल करेंगे। देखिए, इनके बीच में जो गैप रहती है इनको अपन कैसे भरेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि कितने हो गए, 12। 12 में अपन 3 का भाग लगा दें तो 3 × 4 = 12, कितने बनेगा, 4। तो 4 का एक एक पेयर बनेगा, 4 के कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। देखते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि जी तक आएगा, 1, 2, 3, 4, ये भी जी तक आएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि दोस्तों यहाँ पे लास्ट में जी है और यहाँ पे भी जी है, तो इस जी के पहले ई है, तो यहाँ पे जी के पहले अपन ई लिख सकते हैं। तो ये पेयर अपना बन कंप्लीट हो गया, ACEG। अब ए के बाद यहाँ सी है, तो यहाँ ए के बाद सी लिख सकते हैं, तो ACEG। तो ये दो पेयर अपने तैयार हो गए, तो इसी तरह तीसरा पेयर तैयार होगा कि सी के पहले क्या आएगा, ए, ACEG। तो क्या भरा था दोस्तों अपने, ई भरा था, सी भरा था, ए भरा था और जी भरा था, ECAG, ECAG, बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है।